मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्वेश्चंस के जरिए रिवाइज करेंगे। थ्योरी मैंने आपको एक क्लास में पहले करा दी है, गैल्वेनिक सेल का लेक्चर आप सब लोगों के पास होगा। अब उस लेक्चर के बेसिस पे और कुछ एडिशनल कंसेप्ट के साथ इस चैप्टर के ऊपर अटैक करेंगे। फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, लेटेस्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड ऑल, राइट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट वन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एंड क्वेश्चन नंबर वन इज, इफ यू कैन सी हियर, अगर आपको दिख रहा हो ये क्लियरली, कुछ हाफ सेल रिएक्शंस लिखे गए यहाँ पे, सम हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन, देयर एसआरपी वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज आर गिवन बेटा, ठीक है। आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज विल इंक्रीज इन द ऑर्डर, ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब आपको पता ये है यहाँ पे, एज एस आर पी इंक्रीज, एस आर पी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन गेन एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी बढ़ती है, राइट। इसका मतलब रिडक्शन की एबिलिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन को ही तो बोलते हैं, मैं घुमा के बोल रहा हूँ। एक्चुअली एक बात हम लोग पहले लिख चुके हैं, एस आर पी इंक्रीजेज, एबिलिटी ऑफ रिडक्शन इंक्रीजेज। तीसरी बात ये कि जो खुद रिड्यूस हो रहा है किसी रिएक्शन में, उसी को तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से बुलाते हैं। तो जिसका एस आर पी का वैल्यू ज्यादा है वही स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो एज आर पी इंक्रीजेज और एस आर पी इंक्रीजेज, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर हैंड्स इन ग्लोव, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। इन बातों को जानने के बाद हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका है टीचर, उसके बाद किसका है, लेड 4 प्लस का है, उसके बाद सिरिक 4 आयन का है, उसके बाद बिस्मथ 3 आयन का है। तो जिसका एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा हो गया बच्चे, उसका ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कोबाल्ट की सबसे ज्यादा और बिस्मथ की सबसे कम। वाई आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ यू नो I have revised the concept. What is the concept? Higher the value of a standard reduction potential, stronger is the oxidizing agent. Higher the value of SRP, stronger is the oxidizing agent. Loud and clear? Done. Okay. Next part. A solution of nickel nitrate, Ni plus 2 state mein, is electrolyzed between platinum electrodes using 0.1 faraday of electricity, how many moles of nickel will be deposited? बहुत ही ordinary question है, faraday law के ऊपर based है ये। Faraday law deals with electro deposition. Faraday's laws deals with electro deposition of substances at respective electrodes. So अगर मैं फराडे लॉ के बारे में बात करूं तो ये एक पॉइंट मैंने तुमसे डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट ये, फराडे लॉ वन स्टेट्स दैट, थोड़ा सा थ्योरी, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज बीइंग पास थ्रू, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, सो दिस अपॉन फर्दर एडवांसमेंट, एम इज सम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्यू इज आई टी, एम इज इक्वल टू जेड आई टी। And Faraday law 2 is, law 2 is stating that if different electrolytes are kept in series arrangement such that same amount of electricity is obtained by each and every electrolyte, is received by each and every electrolyte, then the masses deposited at respective electrode, let the masses deposited be M1 and M2, they are directly proportional to the equivalent masses of the substances getting deposited, right? So E is E1, E2 is equal to mathematically what? This is Z1IT divided by Z2IT. Because same amount of charge is being passed through, ITs are cancelled, Z1 and Z2, they are known as what? They are known as electrochemical equivalent. They are characteristic of the substance getting deposited on the respective electrode. मान लो मैं electrode हूँ, मेरे ऊपर copper deposit हो रहा है,
तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है बेटा वो कॉपर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई डेयर राइट ई समथिंग विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड और जी सच दैट ई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू जेड और जी। एफ इज नोन एज फैराडे कॉन्स्टेंट, द प्रिसाइज एग्जैक्ट वैल्यू इज 96487 कूलम पर मोल, और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए 96500 कूलम पर मोल लेते हैं। ये तो थ्योरेटिकल बातचीत हो गई, कुछ बातें और। एक फैराडे हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है किसी सब्सटेंस का, दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शूट ऑफ फैराडेज लॉ। एक फैराडे हमेशा 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है किसी सब्सटेंस का। पॉइंट नंबर 2, 1 फैराडे जो होता है दैट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज बाई प्रोडक्ट और ऑफ शूट नंबर 2 फैराडेज लॉ। सो ये हुआ थियोरिटिकल टॉक। नाउ कम बैक टू दिस क्वेश्चन, तुमको दिख रहा है निकल जो है 2+ स्टेट से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल में कन्वर्ट हो रहा है, इज दैट ओके? फाइन। सो निकल का एन फैक्टर जो 2 है वो क्रिस्टल क्लियर है हम लोगों के लिए यहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, अब आप ये बताइए आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया है, 0.1 फेराडे। आई टोल्ड यू 1 फेराडे डिपॉजिट्स 1 इक्विवेलेंट, सो 0.1 फेराडे विल डिपॉजिट 0.1 इक्विवेलेंट ऑफ वॉट, निकल, इज दैट ओके? पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, यस नो? क्विक टेल मी क्विकली। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स होता है, आपको निकालना क्या हाउ मेनी मोल्स ऑफ निकल, तो आप क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे क्या आप? हाँ जी निकाल लेंगे टीचर। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विच इज 0.1 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इज 2.05, व्हाई आंसर इज 0.05, वी गेट द आंसर, व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, राइट? यस नो? डू यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है, ठीक है? अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैट टेस्ट जो कि 22nd of August को, ठीक है ना, 22nd of August को ये, ठीक है, आपका कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, सुबह 11 बजे, ठीक है बच्चों? और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बना होगा, लेवल का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करके डाले हुए हैं, आपको मजा आएगा इस टेस्ट को देने में, ठीक है बच्चों? अब देखिए इसको थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। 500 लोगों को अवार्ड देने का डिसाइड किया गया, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको मिलेगा, ठीक है ना? 22 अगस्त 11 AM, और ये इनवाइट कोड है NKC सर। जब भी आप इसमें एनरोल करोगे NKC सर आपको कोड डालना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लो, ठीक है? और टोटल 4 करोड़ तक के इनाम है यहां पे, ठीक है? यानी कि जो अवार्ड्स होंगे वो काफी बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे अवार्ड्स होंगे, बहुत सारे लोगों को, 500 लक्की पार्टिसिपेंट्स को एप्पल आईपैड और आईपैड मिनी और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती है, यानी कि आप जीत सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो बच्चों इसमें और भी चीजें हैं, रैंक 1 से 3 तक आपको 1 ईयर का IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 100% फ्री। 4 to 10 75% फ्री, ठीक है ना? 11 to 50 50%, और 51 से 150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है? चलिए तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लो। ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है, क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ आएगा, वेक्टर्स आएगा, यूनिट डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स और NLM, फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन तक का आएगा 11th क्लास में। 12th क्लास का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा। 13th यानी कि 12th पास का अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स आएगा, NLM आएगा, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों? तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर लीजिए, बेस्ट ऑफ लक। वी मूव क्विकली, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट्स। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 वैल्यू निकालना है आपको,
of the cell in which the following reaction is taking place. Reaction is Fe2 plus getting converted to Fe3 plus. मतलब आपके पास इसका SRP होना चाहिए. ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा. तो आप E0 सेल जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? आप बोलते हैं E0 सेल इज SRP रिडक्शन हाफ माइनस SRP ऑक्सीडेशन हाफ, या जो भी लैंग्वेज हो आपके पास. SRP कैथोड माइनस SRP एनोड भी कई बार कुछ टीचर बताते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं उससे भी. SRP कैथोड माइनस एनोड और SRP रिडक्शन हाफ माइनस SRP ऑक्सीडेशन हाफ. किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे भैया? यहाँ रिडक्शन हो रहा है Ag प्लस का Ag में. सो SRP वैल्यू ऑफ वॉट? Ag प्लस 2Ag इस हाफ का SRP माइनस SRP वॉट? SRP ऑफ Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जा रहा है. मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चे? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ. तो आपको SRP चाहिए Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस वाले हाफ सेल का. अब आप ये देखिए, इसका SRP वैल्यू दिया है क्या? इसका SRP वैल्यू तो दिया है जी. Fe3 टू Fe2 प्लस SRP वैल्यू दिया है क्या? Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस SRP वैल्यू नहीं दिया गया. हमें डिराइव करके निकालना है. हम लैटिमर फ्रोस्ट कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे. मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ Fe3 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे? Fe3 प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा, राइट? Fe2 प्लस Fe में कन्वर्ट होगा और Fe3 प्लस Fe में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है. इस रिएक्शन का पोटेंशियल कितना है? नहीं है, इसी को निकालना है. कॉल दिस अनोन वैल्यू, अनोन पोटेंशियल. इज दैट ओके? Fe2 प्लस टू Fe का वैल्यू कितना दिया बेटा? Fe2 प्लस टू Fe दिया हुआ वाई वोल्ट्स, लिख लेंगे वाई वोल्ट्स. और Fe3 टू Fe क्या दिया हुआ है? जेड वोल्ट दिया है बेटा, जेड वोल्ट, राइट? वॉट एल्स कैन आई से? यू इंटू वन, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, प्लस 2 into y, y is the potential and दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, this should be equal to 3 into z. Do we all understand? So u is equal to 3z minus 2y. मतलब इस रिएक्शन का पोटेंशियल निकाल लिया आपने. This is known as Latimer Frost diagram concept. Write it quick and fast. ये निकाल लिया आपने, अब ऊपर वैल्यू पुट करेंगे. SRP Ag plus Ag क्या दिया बेटा? ये दिया हुआ x volt minus of what? Minus of this. माइनस 3z माइनस 2y. सो व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट टू बी? दिस इज x प्लस 2y माइनस 3z. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज वेरी क्लियर टू अस. y आंसर a इज राइट आंसर. वी गेट द आंसर नाउ. सो फॉर 3 वी गेट आंसर a. टू कंसेप्ट, फर्स्ट विच इज ऑर्डिनरी E0 सेल कैसे निकालते हैं? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, राइट? या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ माइनस दैट ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ. इससे E0 सेल का वैल्यू निकालते हैं. Ag प्लस का वैल्यू दिया हुआ है, वहाँ रिडक्शन हो रहा है. Fe3 टू Fe2 प्लस का SRP वैल्यू नहीं दिया हुआ है. उसको प्लग इन करने के लिए लैटिमर फोर्स डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे. Fe3 टू Fe2 प्लस का पोटेंशियल निकाल देंगे, ऊपर पुट कर देंगे, वी विल गेट द E0 सेल. इज दैट ओके टू यू? इज दैट फाइन? सो वी मूव क्विकली टू क्वेश्चन 3 नाउ. So let's move to question 4. Question 3 is done. Let's move to question number 4 now. Okay? Question number 4 now. Same question. ये किया आपने थोड़ी देर पहले भी. चार SRP values दिए गए हैं यहाँ पे. चार SRP values में highest SRP किसका है? 2.05 volt highest SRP है. Strongest oxidizing agent is this. So answer is C. Why answer C? We have seen earlier also. ये क्वेश्चन डायरेक्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का. एज SRP वैल्यू इंक्रीजेज 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 इंक्रीजेज, SRP वैल्यू के इंक्रीज करने से ऑक्सीडाइजिंग नेचर एबिलिटी बढ़ते जाती है. वी हैव डिस्कस अर्लियर, वी हैव रिवाइज द कंसेप्ट. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस. ये रिडक्शन प्रोसेस दिया गया, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया बेटा. रिड्यूसिंग नेचर पूछ रहा है, जस्ट उल्टा टू द प्रीवियस क्वेश्चन. नाउ यू सी, आपको ऐसे करके देखना है. सो ऐसे उल्टे डायरेक्शन में. सो इसका पोटेंशियल इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा. ये कितना हो गया? 0.76 वोल्ट पॉजिटिव. उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं. ये कितना हो गया बेटा? प्लस 2.87. ये कितना हो गया? प्लस 2.36. ये कितना हो गया? प्लस 0.25. इज दैट ओके? ये तो समझ में आ रही बात है. अब तुम ये देखोगे, अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन की एबिलिटी बढ़ रही है बेटा. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी बढ़ रही है. जिसका खुद को ऑक्सीडेशन होता है उसी को तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं आप. तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है? वो भी बढ़ रहा है. तो किसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू
हाईएस्ट है, सो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैल्शियम का हाईएस्ट है। इसके बाद किसका है, इसके बाद बाद इसका है, इसके बाद बाद आ रहा है 2.36, सो मैग्नीशियम का है। इसके बाद किसका बेटा, इसके बाद आ रहा है जिंक का है। इसके बाद किसका हो जाएगा, निकल का हो जाएगा। सो यही आंसर होना चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक निकल। सो वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वी गेट द आंसर अगेन, दे आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आईआईटी में बार बार आ रहा है, आपको इस टॉपिक को ढंग से, बेहद ढंग से तैयार करना है। एक बार सारा पहले दोबारा रीचेक कर लेंगे, देख लेंगे दोबारा, और अप्लाइड क्वेश्चन जितने ईसीएस पे हो सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर खूब सारा क्वेश्चन बना लेंगे। इट विल वर्क इन योर फोर्थकमिंग जेई मेन एग्जामिनेशन, मे बी एडवांस ऑल्सो, राइट। क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, द एनोडिक हाफ सेल ऑफ लेड स्टोरेज और लेड एसिड बैटरी इज रिचार्ज्ड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0.05 फैराडे। गुड। द अमाउंट ऑफ PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड इन ग्राम। PbSO4 रिचार्जिंग प्रोसेस में पीबी और PbO2 डिस्चार्जिंग प्रोसेस में बेटा PbSO4 में कन्वर्ट होते हैं, और रिचार्जिंग में उल्टा होता है। सो ये रिचार्जिंग है, ये तो समझ में आ गई बात आपके, राइट। अब दूसरी बात, ये Pb+2 स्टेट में, यहाँ जीरो जा रहा है और यहाँ जा रहा है +4 में। सो इधर केस एन फैक्टर इज इक्वल टू 2, इधर केस आधर यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, एन फैक्टर तो 2 ही है इसका, ये भी दिख रहा। सो ये कंसेप्ट नंबर 1 हो गया जो यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, कंसेप्ट बॉक्स, कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, अगर आपने 0.05 फैराडे सप्लाई किया है, दिस मीन 0.05 इक्विवेलेंट ऑफ PbSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, राइट। इज दैट ओके, 1 फैराडे इलेक्ट्रोलाइजेस 1 इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, सो these many faradays will deposit these many equivalent of PbSO4. done teacher. now concept number 3, number of equivalents is equal to n factor into number of moles, right sir. so we have to calculate number of moles, nikalna hai ya nahi nikalna, so leave this step, iski zarurat nahi. tum hi batao step number 3 isko aisa likhenge. इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ PbSO4 इज 303 डिवाइडेड बाय 2। डू वी गेट दिस, नाउ यू टेल मी 0.05 इक्विवेलेंट इज हाउ मच मास इनटू 303 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द मास ऑफ लेड सल्फेट व्हिच इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइज इन ग्राम। सो इसको कैलकुलेट करेंगे एंड वॉट आंसर वी आर सपोज टू गेट इज 7.6। 7.6 ग्राम इज द आंसर वी गेट फॉर लेड सल्फेट विच इज बींग इलेक्ट्रोलाइज, लेड सल्फेट मास इन ग्राम्स टर्म। डू वी अंडरस्टैंड दिस, फैराडे लॉ अप्लीकेशन एंड लेड डिस्चार्ज बैटरी के सेल रिएक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए। लेड डिस्चार्ज बैटरी का सेल रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं किया है, मैंने सिर्फ एम्पेरिकल कोर रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, और फैराडे लॉ को इस्तेमाल कर दिया है। तो कंसेप्ट्स यूटिलाइज आर 1 एंड 2। डू वी अंडरस्टैंड दैट, यस ओके वी अंडरस्टैंड।